शब्द भी एक भोजन है, बोलने से पहले चख लीजिए। स्वयं को अगर अच्छा ना लगे तो दूसरे को मत परोसिए। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उनके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। खुद का अगर मान चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। ये दो बातें अपने अंदर पैदा करो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना। क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ देने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। अपने दुश्मन को 1000 मौका दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। किसी की बुराई करने से कम 100 बार सोचो, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। लोग किसी का दिया हुआ साथ तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ धोखा कभी नहीं भूलते। सब रिश्तों को परख लिया पर नतीजा एक ही निकला कि जरूरतें ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होती। अपना गम सोच समझ कर बांटना चाहिए दुनिया में, क्योंकि हमदर्द कम और सरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। 4 दिन भी कोई दूसरा निभा नहीं सकता जो किरदार बाप पूरी जिंदगी निभाता है। खुद को हमेशा ODP की तरह बनाओ ताकि कोई दूसरी बार आपका इस्तेमाल ना कर सके। परवाह करने की आदत ने तो परेशान कर दिया, अगर बेपरवाह होते तो सुकून बहुत होती जिंदगी में। अगर आपको कोई याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए, रिश्ते हैं कोई मुकाबला थोड़े ही है। ताकत की ज़रूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्यार ही काफ़ी है। पानी से जुदा होकर मछलियाँ मर जाती है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नज़दीकियाँ पहले आदत फिर ज़रूरत और फिर ज़िंदगी बन जाती है। शेर और हिरन के बीच दौड़ में कई बार हिरन जीत जाता है, क्योंकि शेर भोजन के लिए दौड़ता है और हिरन जीवन के लिए। कभी हार नहीं मानती, यह बुराई की आदत है, और जो कभी हारती ही नहीं वह अच्छाई की ताकत है। अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं है, पर यह अलग अलग मात्रा में हर इंसान में मौजूद है। छाता लगाने का यह मतलब नहीं कि आप बच गए पानी से, डुबाने वाला पानी सिर से नहीं पैर से आता है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिस्री एक जैसे ही नज़र आते हैं। दिल की खामोशी पर मत जाओ दोस्त, राख के नीचे अक्सर आग दबी होती है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो हर किसी की कदर करते हैं उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000,
इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। आज रोटी के पीछे भागता हूँ तो याद आता है मुझे रोटी खिलाने के लिए कभी माँ मेरे पीछे भागती थी। झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर हम एक दूसरे से बोले तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ठीक उसी तरह मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती।